चलो। रिया? हाँ। गुड। इमरान मूवीज पसंद आ गया क्या? रहने दो कुसुम अख्तर, शहीदों को ताने नहीं दिया करते। तुम बस लाहौर जाने की तैयारी करो और साथ में टिकट मेरा भी ले लेना। जी, ये जुलेखा का घर है? जी हाँ। अरे तो हटो, मैं दोस्त हूँ उसकी। जुलेखा, 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 जुलेखा? नहीं, हाजरा हूँ उसकी छोटी बहन। अरे हाजरा, पहचाना मुझे? नहीं, मैं मदीहा, क्लास टू में जुलेखा के साथ पढ़ती थी मैं। तुम तो उस वक्त क्लास वन में थी, तो पहचानोगी कैसे, इतनी इतनी सी तो थी तुम। जुलेखा कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। तो ले चलो मुझे उसके पास, सरप्राइज दूंगी मैं उसे। आओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। तुम जुलेखा की दोस्त हो तो क्लास टू के बाद अब मिल रही हो उससे? जी आंटी, हम इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए थे, अबू की वहाँ पोस्टिंग हो गई थी। हाँ, एक महीना पहले वापस आई हूँ, तब से ही ढूंढ रही हूँ जुलेखा को। अस्सलाम वालेकुम। नाम तो तुम्हारा कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है, वो ऊपर है, मिल लो। आओ ले जाओ। मेरी जान, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। आप कहोगी मुझे, तुमने भी नहीं पहचाना? I'm sorry, but... मैं मदीहा, मदीहा साहब। वो तो ठीक है, लेकिन... सीधी तरह कहो ना, बिल्कुल भूल गई मुझे। पहले कहाँ मिले थे हम? स्कूल में, क्लास टू में साथ पढ़ते थे। कहाँ? हमें क्या क्या याद दिला। बैठे ना। ये देखो कैसे खड़ी मुंह देख रही है मेरा। याद है बचपन में भी इसी तरह हैरान रहती थी। अब चाय वाय पिलाओगी या पूरी तसल्ली कर कर जाओगी? अरे नहीं, अभी लेकर आती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने खुदा की कसम तुम्हें पहचाना नहीं। कौन से स्कूल में हम साथ पढ़ते थे? वो क्या है कि क्लास वन से फोर तक मैंने तीन स्कूल चेंज किए, इसलिए पूछ रही हूँ। मैं झूठ बोल रही थी, हम किसी भी स्कूल में साथ नहीं पढ़े हैं। ये महीना भर पहले एक लड़का तुम्हें ट्रेन में मिला था, और फिर वो डाकिया बनकर घर भी आया था तुम्हारे। यूसुफ? हाँ, मैं उसके दोस्त की बहन हूँ और उसके लिए आई हूँ तुम्हारे पास। हेलो। अबे कहाँ है साले? अबे गुड न्यूज मिल गई है, चैनल वाले मान गए हैं। अबे उन्हें गाना बहुत पसंद आया, कह रहे हैं गाना बना कर दो, अपने पैसों से हम वीडियो शूट करा देंगे, और पता है साले 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी देंगे। अच्छा, बस अच्छा। अबे तू खुशी से चीख क्यों नहीं रहा? घर पे हूं ना इसलिए। झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तो तेरे घर में आजकल रक्षे चल रहे हैं? टीवी चल रहा है ना, टीवी पर रक्षा चल रहा है। अच्छा, आवाज बंद कर। नहीं, तुम फोन बंद करो, मैं आता हूँ। नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, वहीं पे आ जाओ। कितनी देर में आ रहे हो तुम? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। अच्छा, मैं खुद आता हूँ। समझ गया हूँ मैं। ओके। आपकी मतलूबा नंबर से फिलहाल रास्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ सताव कोशिश। कितने पैसे हुए लाला? तुम एक लड़की हो इसलिए तुम्हारी इज्जत रख लेती हूँ, समझो मैंने तुम्हें पहचान लिया, और बैठ कर चाय पियो, उसके बाद फिर गले मिलो और दोबारा आने का वादा करके चली जाओ। लेकिन कभी आना मत, दोबारा इस घर में पैर मत रखना, वरना उस कमीने के साथ तुम भी मारी जाओ। धमका रहो जुलेखा, मुझे डरने की आदत होती, मैं तुमसे मिलने नहीं आती, और उससे भी कोई डर नहीं है।
मोहब्बत करता है वो तुमसे। क्यों करता है? मोहब्बत करने वालों से कभी ये सवाल नहीं पूछते। मैं मुंह तोड़ दूंगी उसका। मुंह तोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम दिल तोड़ दो उसका। उसके दिल से मुझे क्या लेना देना, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। मिलना चाहता है वो तुमसे। क्या बात कर रही हो तुम, मैं क्यों मिलूंगी उससे? और उसका हक ही क्या कि वो इस तरह का मुतालबा करे? मोहब्बत के पास बड़े हक होते हैं जुलेखा। तुम हक मानने से इनकार कर सकती हो, लेकिन मुतालबा करने से मना नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम चाय पीकर जाओ तो अच्छा है, सबको लगेगा कि सच में तुम मेरी दोस्त हो। इस तरह इज्जत बच जाएगी तुम्हारी। इस बात की परवाह नहीं है। तो फिर निकलो यहाँ से। वो अगले संडे का कह रहा था कासिम बाग में। शट अप। तुम नहीं आओगी तो वो फिर मुझे भेज देगा और मुझे आना पड़ेगा। मैं उसे इनकार नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा होगा कि तुम आने का वादा कर लो या मुझे अभी के अभी जलील करके यहाँ से निकाल दो। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हें जलील करने की। अच्छा, चाय ला रही हूँ, ठहरो, बैठ जाओ, बैठो। पहचान लिया? हाँ। कब जाएगी? 18 साल बाद आई है, जाते जाते जाएगी ना। ये जाके कह दूं कि बस अब चली जाओ, मम्मी को बुरा लग रहा है। देख रही हो कुलसुम कैसे जबान चलने लगी है इसकी? अरे नहीं, मैं तो ऐसे कह रही थी बस। आप घबराइए मत, चाय पी के चली जाएगी ना। आपकी मतलूबा नंबर से फिलहाल आपकी मतलूबा नंबर से मैं उसको बचपन से जानती हूँ। अपने काम के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की है उसने। मुझे क्यों सुना रही हो? जल्दी चाय पियो, निकलो यहाँ से। एक बार मिल लो उससे, मिलकर समझा दो कि यूसुफ नाम होने से उसे जुलेखा नहीं मिल सकती। ये तुम बताओ ना उसे, मैं तो जूता निकाल कर मार दूंगी इसके मुंह पर। सच्ची बताऊं तो उस दिन भी मेरे हाथ से बचकर निकल गया था, वरना ऐसी पटाई लगवाती कि याद करते बुखार हो जाता उसे। बुखार तो हो जाता है उसे, तुम्हें याद करता है तो उसे बुखार हो जाता है। एक बार तो मैंने अपने हाथों से ठंडी पानी की पट्टियां की है उसे। जो भी है, चाय का शुक्रिया, मैं 2-4 दिन बाद फिर आऊंगी। फिर कभी नहीं आऊंगी तुम, मेरी इज्जत का कुछ ख्याल कर लो, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। चाहूं भी तो बाहर उसे कहीं नहीं मिल सकती। तुम चाहो तो सही, मुलाकात करवाना मेरा काम है। शट अप। अपनी दोस्त से इतने दिन बाद मिली हो और जरा सी बात पे शट अप? मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि वो ऐसा वैसा लड़का नहीं।
इसीलिए तुम्हें मशवरा दे रही हूँ। तुम एक बार उससे मिल लो और जो बात तुम्हारी पिटाई से उसे समझ आएगी वो तुम प्यार से समझा दो कि वो तुम्हें जुलेखा समझे, यूसुफ की जुलेखा नहीं। नहीं, कभी नहीं। मैं खुद जाऊंगी तो तुम्हारे घर वालों को शक होगा। अच्छा है कि तुम्हें मुझे छोड़ा। चलो। अरे मुस्कुराओ तो सही, हम 18 साल बाद मिले हैं। ऐसे गुस्से से चलेंगे तो तुम्हारे घर वालों को लगेगा कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। आओ प्लीज। वालेकुम, रख दो। मुबारक हो भाई, अगले इतवार की तारीख रख के आए हो। मुंह मीठा करवाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। कौन? बचपन की सहेली। मैं चलती हूँ, दोबारा आऊंगी। रुको, मिठाई खाओ और खाकर पूछो किस बात की है। ये किस चीज के लिए? पहले खाओ तो सही। खा ले और बताओ किस चीज के लिए। अगले संडे मेरी शादी है। तुम आ गए? जाते वक्त तो कह रहे थे कि शाम हो जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हो? दीदी तरह पूछ लो कहाँ गई थी। कहाँ गई थी? डॉक्टर के पास गई थी। सुबह से ऐसे लग रहा था जैसे बुखार है मुझे। दवाई क्या है? दवाई भी देखोगे? ये लो, जाओ जाके किसी से पूछ लो कि ये बुखार की है ना। झूठ बोल रही है मैंने? और अगर सच बोल रही हो तो मेरे दिल को यकीन क्यों नहीं हो रहा? चलो डॉक्टर के पास चले, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। तुम्हें पता है मदिया मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या लगता है तुम्हें कहाँ गई थी मैं? वही तो पूछ रहा हूँ, डॉक्टर के पास आने जाने में 3-3.5 घंटे नहीं लगते हैं। 3 घंटे? हमसायों की बीबी जी बता रही थी कि तुम 11:30 बजे निकली हो। तुमने उनसे क्यों पूछा? क्योंकि बिना बताए सिर्फ तुम वहीं जाती हो और अगर कहीं और जाना होता है तो फोन करके मुझसे इजाजत लेती हो। भूल गई मैं आज। पकड़ो। सुनो, उस दिन जब तुम मम्मी अब्बा को याद करके रो रही थी ना तो मुझे अच्छी तरीके से बताया कि तुम झूठ बोल रही थी, लेकिन इस बात का अंदाजा हो गया था कि मुझे कि तुम तकलीफ में, इसलिए तकलीफ को छुपाओ मत। जाओ कमरे में बैठ के सोचो कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारा दोस्त भी है तो फिर बता दो कि सच क्या है। Thank you.
बताओ क्या हुआ? सुनोगी तो दुख होगा तुम्हें। चलो दे दो दुख। वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो मालूम है मुझे, ये बताओ कि मेरी बात की उसके साथ? वही तो कर आई। मिलने के लिए कहा? 3 बार कहा। सुन के बहुत गुस्से हुई होगी है ना? कह रही होगी नो नेवर, कभी नहीं। ये कहा कि मैं मर जाऊंगा उसके बगैर? ये भी कहा था। तो फिर तुम देखा, वो मरने नहीं देगी मुझे। सुनो, इससे बड़ी भी एक और खबर है। बोलो। सुनकर मर तो नहीं जाओगे ना? प्रॉमिस, नहीं मरूंगा। अगले इतवार उसकी शादी है उसके कजिन इमरान मुगीस के साथ। हेलो मदिया। यूसुफ दाचे को पता चल गया सब कुछ। वो दवाई लेकर घर आने का बहाना नहीं चला। क्या? अब क्या होगा? दाजी कह रहा है सब सच बता दो। अरे वो तो जान से मार डालेगा मुझे। उसकी कॉल आ रही है। तुम डरो मत, मैंने अभी तक उसे कुछ बताया नहीं है। अच्छा फिर रखो, मैं बात कर लूं उससे। दाजी कहाँ है तू? अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? हाँ मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में। यार देख, तू मुझे सीरियस नहीं लग रहा है। तुम्हारी कसम सीरियस तो बहुत हूँ मैं। अच्छा अच्छा चल जल्दी पहुँच, वक्त नहीं है हमारे पास यार। सही कह रहा है तू, वक्त का भी पता है कि कम है। अच्छा तू रख, मैं आता हूँ। अच्छा चल ठीक है, ओके। यूसुफ, वही जो ट्रेन में मिला था गिटार वाला, वो जो डाकिया आया था ना उस दिन घर पर, वो डाकिया भी नहीं था, वही था खबीस। अरे क्यों आया था? पहले पूछा आप जुलेखा हो ना, मैंने हाँ बोला तो कहने लगा मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ है। लव स्टोरी। शट अप। बताओ ना लड़की क्या कह रही थी? कह रही थी मुझसे मिलना चाहता है। बेचारा, ऐसे लोफर को बेचारा मत कहो। पता नहीं क्यों मुझे मोहब्बत करने वाले हर आदमी से हमदर्दी हो जाती है। मेरी बात करो ना, इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी तो अगला संडे चुटकी में आ जाएगा। अगले संडे के बारे में मत सोचो, समझो परसों जो संडे आ रहा है वही अगला संडे। क्या मतलब? गोला तोप के मुंह में डालो और फायर कर दो। गोला किसको बोल रही हो? आईडीए को। आईडीए को कहते हैं गोला और मुंह को कहते हैं तोप। अब ये भी बताना पड़ेगा कि फायर करना किसे कहते हैं। तू बस सोच के अगले संडे को टीवी पे हमारा इंटरव्यू चल रहा होगा और बैकग्राउंड में गाने की कोई धुन चल रही होगी और एक प्यारी सी होस्ट हमसे रिक्वेस्ट करके कहेगी कि क्या आप हमारे नाजरीन को अपने गाने के 2 बोल गुनगुना कर सुनाएंगे। तो तुझे पता है नाजरीन में कौन कौन होगा? अरे वो भी तो होगी, देख कर झूम कर कहेगी ये तो वही है ट्रेन वाला। वो नहीं कहेगी दाजी, वेडिंग नाइट पे दुल्हन टीवी नहीं देखती है। क्या मतलब? अगले संडे शादी है उसकी। ऐसे क्या देख रहे हो? सच्ची खबर सुना रहा हूं। देख ही रहा हूं कि किस्मत के मामले में तुम भी फारिग आदमी हो दोस्त। अभी कहानी शुरू नहीं हुई थी कि कहानी खत्म। अब मेरी कहानी भी खत्म हो जाएगी तुम देखना। क्यों, सुसाइड करेगा? सुसाइड नहीं करूंगा, जिसे मोहब्बत ना मिले वो मरी गया ना, फिर सुसाइड करने का फायदा? ये छोड़ के जा रहा हूँ, यही गिफ्ट दे रहा हूँ तुझे। यूं समझ ले कि मरने वाला अपनी कुल पूंजी तेरे नाम वसीयत करके जा रहा है। अब तू गाय करना, मैं नाजरीन में बैठ के देखा करूंगा। अबे भाई बस बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये ले, मोहब्बत करता है ना उसे तो शादी रोक दे उसकी।